राधे राधे आप सभी को, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों अभी शाम को हम 6 बजे केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का क्लासेज लेकर अभी आए हैं और अब हम फिजिक्स की क्लासेज लेंगे चैप्टर 2 का। आपको तो मालूम है कि हमारे चैनल पर शाम को 6 बजे से केमिस्ट्री की क्लासेज और शाम को 7 बजे से फिजिक्स की क्लासेज आज से ही चालू हुई है। ठीक है, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का दोनों का पहला चैप्टर हम लोगों ने बिल्कुल खत्म कर दिया है और आज से फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का चैप्टर 2 शुरू हो गया है। केमिस्ट्री के तो चैप्टर 2 के कुछ हम लोग टॉपिक पढ़ भी लिए, अब बारी है फिजिक्स के चैप्टर 2 के टॉपिक को पढ़ने की। मैं कोशिश यही करूंगा कि सितंबर तक सिलेबस खत्म करा दूं, इसलिए मैंने दोनों क्लासेज एक साथ शुरू करने की फैसला लिया है। शाम को 6 बजे केमिस्ट्री, 7 बजे फिजिक्स। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2 का नाम है स्थिर विभव तथा धारिता। पहला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, ये चैप्टर उतना बड़ा नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि 3 या 4 दिन के अंदर इसको खत्म कर दूं। ठीक है, चलिए देखिए, जिनको पहला चैप्टर समझ में आया ना, चैप्टर 2 तो उसमें वो धुरंधर है, मतलब चैप्टर 2 को तो वो एकदम भाज देंगे, इतना आसान है ये चैप्टर। ध्यान दो कितना आसान है। पहला टॉपिक निकल के आता है वैद्युत विभव। क्या है वैद्युत विभव, ध्यान दीजिएगा। किसी एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश का मतलब ऐसा आवेश जिसका मान क्या हो, 1 हो, उसे एकांक आवेश कहेंगे। तो किसी एकांक आवेश को अनंत से, अनंत बिंदु से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसे भी से सूचित करते हैं। अब समझो क्या है वैद्युत विभव। कोई एकांक आवेश है, वो बहुत दूरी पर है। ध्यान से सुनो, मेरे शब्दों को सुनो और उसको तोड़ो, मेरे शब्दों को सुनो और उसको तोड़ो और उस पर विचार करो, तभी समझ में आएगा। एक एकांक आवेश है जो कि काफी दूर है, अनंत है, अनंत दूरी पर है, हमें दूरी मालूम नहीं है कितनी दूरी पर, वो उसको हमें वहां से उठाकर लाना है। कहां लाना है, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है। मान जाओ मैं जहां भी पढ़ा रहा हूं यहां पर वैद्युत क्षेत्र है और तुम जहां पे पढ़ रहे हो वहां पे एकांक आवेश है। अब उस एकांक आवेश को उठाकर मेरे पास लाना है, तो जब तुम उस एकांक आवेश को उठाकर मेरे पास लाओगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। कार्य क्या करना पड़ेगा, उस एकांक आवेश को तुम उठाओगे, वहां से चल के मेरे पास आओगे, तो कार्य हो रहा है कि नहीं, इसी कार्य को हम वैद्युत विभव कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, जरूर बताइएगा। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसे V से सूचित करते हैं। V बराबर W बटा Q होता है। W यहां पर क्या है, तो कार्य है, जो आप कार्य कर रहे हो। Q क्या है, तो आवेश है। V क्या है, तो वैद्युत विभव है। यदि वैद्युत विभव का मात्रक आपसे कोई पूछ दे तो वोल्ट या जूल प्रति कूलाम, ये दो मात्रक याद रखिएगा, एक तो वोल्ट होता है और एक जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक है, समझ में आया ये टॉपिक, आगे बढ़ा जाए। चलिए वैद्युत विभवांतर, ये टू विद्युत विभव है ना, उसका टू कॉपी है, एकदम टू कॉपी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस ध्यान दो एकदम उसी जैसा है। किसी एकांक आवेश वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। किसी एकांक आवेश वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अब मानिए वैद्युत क्षेत्र बहुत बड़ा है, समझिए, मानिए कि जो वैद्युत क्षेत्र है मेरे घर से आपके घर तक का है, मतलब मेरे घर से आपके घर तक का वैद्युत क्षेत्र है। अब आपके घर में एक एकांक आवेश है, अब उसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही है, क्योंकि आपका भी घर वैद्युत क्षेत्र के भीतर पड़ रहा है, मेरा भी घर वैद्युत क्षेत्र के भीतर है और आपके घर पर एकांक आवेश है, यानी कि एकांक आवेश भी किसके अंदर है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर है। अब उसको उठाकर मेरे यहां लाना है, मेरे यहां लाना है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक घर से उठाकर दूसरे घर तक ले जाना है, एक बिंदु से उठाकर दूसरे बिंदु तक ले जाना है। तो आप एक बिंदु से उठाकर दूसरे बिंदु तक लेके जाओगे तो जो कार्य करना पड़ेगा उसे ही वैद्युत विभवांतर कहते हैं। टू कॉपी है कि नहीं, बस फर्क जानते क्या है, वैद्युत विभव में अनंत से लाना है और वैद्युत विभवांतर में उसी घरवा में से उसी घरवा में ले जाना है। समझ में आया कि नहीं, मेरे ने समझ में आ गया होगा। और इसे भी से सूचित करते हैं, इसका फॉर्मूला सूत्र सब वैद्युत विभव के समान होता है, तो वो हमें कोई जरूरी नहीं है उसे याद करना। आगे आइए, विद्युत बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, ये डेरिवेशन है। जैसे हम लोगों ने पहला चैप्टर में याद कीजिए किया था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी प्रकार बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। बहुत आसान है, देखेंगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जो बोल रहा है पहले उसी से हम चित्र बनाएंगे। क्या बोल रहा है, बिंदु आवेश, हमने बिंदु रखा, आवेश दे दिया, के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, हमने r दूरी पर एक बिंदु P ली जिसमें हमें क्या निकालना है, भी निकालना है, यानी कि वैद्युत विभव निकालना है। समझ में आया,
एक हमने बिंदु ली जिस पर आवेश डाला, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी ले ली, इस पर हमें भी का मान ज्ञात करना है। अब आपको सर आपने क्यू नॉट क्यों लिया है, तो अपने से लिया है, यहाँ पर शून्य लग रहा था, आप लो ले लेना, क्यू नॉट का मान होता है एक, इसीलिए ले लिया। लो या ना लो बात बराबर ही पड़ती है, लेकिन ले लोगे तो थोड़ा चित्र अच्छा लगेगा और क्या। आगे ध्यान दीजिए, जो आपने चित्र में किया वही लिखेंगे यहाँ पर। माना एक बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, माना ये एक बिंदु है और इस पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, तथा इससे आर दूरी पर, तथा इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। बस सिंपल बात। अब आपको एक सूत्र याद होगा, अगर नहीं याद है तो याद कर लेना, कि एफ बराबर 1/4πε0 × Q, Q0/r² होता है। ये क्यू क्यू नॉट कहां से आया, तो क्यू यहां से आया, और क्यू नॉट कहां से आया, यहां से आया, और ये आर स्क्वायर कहां से आया, तो इसकी दूरी हमने ली आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद कर लेना है, जब भी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव कहा जाए ना, तो ये सूत्र पहले आपको लिख देना है कि f बराबर 1/4πε0 × Q/Q0 r² समझ में। अब कहेंगे सर ये आपको कैसे याद रहता है, किस डेरिवेशन में ये सूत्र लगाना है। अच्छा ये बताओ, तो मैथ के क्वेश्चन करते हो तो तुम्हें कैसे याद रखता है कि ये क्वेश्चन में ये सूत्र लगाना है, कैसे याद रहता है, प्रैक्टिस से याद रहता है ना, तुम बार बार उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो, उसी प्रकार बाबू डेरिवेशनों को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके याद रहेगा कि हाँ इस डेरिवेशन में ये सूत्र लगाना, इस डेरिवेशन में इस तरह चित्र बनाना, बार बार प्रैक्टिस। डेरिवेशन मैथ जिस तरह तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उसी प्रकार डेरिवेशन करना पड़ेगा, लिख लिख कर बार बार, याद तो कभी नहीं कर सकते हो, बार बार लिखो, बार बार लिखो, बार बार चित्र बनाओ, बार बार ये फॉर्मूला लिखो, बार बार सूत्र ज्ञात करो, तब डेरिवेशन आएगा, याद रखना मेरी बात। ठीक है, चलिए, तो हमने ये पहला समीकरण इसे मान लिया, और अभी हमने पढ़ा, हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटा क्यू, अभी तो जस्ट हमने पढ़ा, डब्ल्यू बराबर होता है एफ गुणे आर, एफ यानी कि बल, आर मतलब दूरी, मतलब किया गया कार्य बल गुणे दूरी के बराबर होता है, ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि किया गया कार्य बल गुणे दूरी के क्या होता है, बराबर होता है। तो डब्ल्यू की जगह पर हम एफ गुणे आर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर डब्ल्यू है, इसको जगह पर क्या लिख दिया हमने, एफ गुणे आर। अब इस एफ को हमने क्या कर दिया अलग, और आर बटा क्यू को क्या कर दिया हमने अलग, इसे हमने क्या मान लिया, समीकरण दो। अब हम आगे लिखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं और ऊपर इतना इतना कर देता हूं, हाँ इतना ठीक रहेगा, हाँ इतना ठीक रहेगा। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो भी यहां पर तो रहेगा, f का मान यहां से उठाकर, यहां पर f है ना जी, तो यहां से f का मान उठाकर हमने यहां पर रख दिया 1/4πε0 × Q, Q0/r² यहां पर r बटा q है, तो ऊपर में r से गुणा हो जाएगा, नीचे q है तो r स्क्वायर में q से गुणा हो जाएगा, समझ में आएगा, इतना तो मान आपको रखने आई जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिए, q से q कैंसिल, r से स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या, भी 1/4πε0 × यहां पर क्यू नॉट बचा, तो हम इसे क्यू लिखेंगे, और नीचे क्या बचा है आर, तो आर। अब ये जो सूत्र निकल के आया मेरे भाई, यही है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव, वैद्युत विभव। समझ में आया कि नहीं, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, वैद्युत विभव पढ़ा, वैद्युत विभवांतर पढ़ा, और बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे क्या, आगे पढ़ेंगे अब हम विभव परिवर्तता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत आसान है, एकदम आसान, दो मिनट लगेगा इसे समझने में, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र की दूरी में, वैद्युत क्षेत्र की दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव परिवर्तता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव परिवर्तता कहते हैं। विभव परिवर्तता सूत्र होता है विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, किसके दूरी में परिवर्तन, तो वैद्युत क्षेत्र के दूरी में परिवर्तन, इतना तो सिंपल है, पढ़ते के साथ ही याद हो जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के दूरी में परिवर्तन और बटे में विभव में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, विभव परिवर्तता बोलते हैं। मात्रक होता है क्या, वोल्ट प्रति मीटर, मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो या दो से अधिक आवेशों को, अभी इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ के क्लास को खत्म किया जाएगा, क्योंकि आज हम लोगों ने केमिस्ट्री भी पढ़ा है, तो ज्यादातर टॉपिक लेके नहीं चलना, इतना टॉपिक लेके चलना है कि जितना हमें डेली याद हो जाए। आप एक नियम बना लीजिए कि आज की जो क्लासेज हो रही है उस क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो मुझे पूरा याद कर देना है, तब आप पढ़ पाओगे बढ़िया से। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो या दो से अधिक आवेशों को, दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से पास पास लाने में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, इसे यू से सूचित करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक आवेश है,
आपके घर पे एक आवेश है, मेरे घर पे भी एक आवेश है। हम दोनों को वो आवेश उठाकर, आप भी उस आवेश को उठाओ, हम भी इस आवेश को उठाएंगे, और उठाकर दोनों को आदमी को क्या करना है, पास पास में लाना है दोनों आवेश को। तो जब हम भी आवेश उठा के आपके पास आएंगे और आप भी आवेश उठा के हमारे पास आइएगा, तो दोनों आदमी को कार्य करना पड़ेगा। अब वो जो हम कार्य कर रहे हैं ना, उसी को क्या बोलेंगे हम, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। समझ में आएगा, बहुत आसान है। इसे U से सूचित करते हैं और U बराबर होता है 1/4πε0 ∗ Q1 ∗ Q2 / R। ये सूत्र याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में Q1 और Q2 का मान दे देगा, दूरी का मान दे देगा, और आपसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान पूछेगा। ऐसा न्यूमेरिकल क्लास में बहुत जल्द लेके आने वाला हूं, टेंशन फ्री रहिए, मैं सारा न्यूमेरिकल करा दूंगा। न्यूमेरिकल में 1% आपको दिक्कत नहीं होगी। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, मात्रक क्या होता है, जूल। चलिए तो आज की क्लास के हम अंतिम टॉपिक पढ़ लेते हैं और सबसे आसान टॉपिक है ये। इस चैप्टर में तो सभी के सभी आसान है, तो ये भी पढ़ लीजिए और हम इसके बाद कल इसके आगे पढ़ेंगे। सम विभव पृष्ठ, सम यानी कि समान, विभव मतलब जानते हो, पृष्ठ यानी कि पट, मतलब ऐसा वस्तु या ऐसा पृष्ठ जिसके सभी भुजाओं पर, सभी बिंदुओं पर विभव क्या हो, समान हो, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। चलिए परिभाषा देख लीजिए। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, हमने वैद्युत क्षेत्र ले लिया है, लाल वाला जो देख रहे हैं ये वैद्युत क्षेत्र है, खींचा गया वह पृष्ठ, जो ब्लैक का देख रहे हैं गोलाकार, ये पृष्ठ है, जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव एक समान होता है, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। एक हमने वैद्युत क्षेत्र ले लिया, उसके अंदर एक हमने पृष्ठ खींच दिया, हमने एक पृष्ठ रख दिया। अब इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, मतलब प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान है, यदि वो एक समान हो जाए तो क्या कहलाएगा, सम विभव पृष्ठ। अगर मान जाओ इस बिंदु पर विभव का मान 2 है, तो इस पर कितना होगा, 2, इस पर कितना होगा, 2, इस पर कितना होगा, 2, यानी कि हर जगह 2, तो वो पृष्ठ क्या कहलाएगा, सम विभव पृष्ठ कहलाएगा। आपको क्लास आज की कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बतानी है, और ये सभी का सभी आप नोट्स पर उतार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। कल हम चैप्टर 2 की आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उस पर आपको फोकस करना है। डेली जो लाइव क्लासेज हो रही है, डेली जो टॉपिक पढ़ाई जा रही है, वो डेली टॉपिक को नोट्स पर लिखिए और डेली याद कीजिए, तभी जाके आप फिजिक्स में और केमिस्ट्री में फोड़ सकते हो। तो आज की क्लासेज आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बतानी है। कल शाम को मिलते हैं 7 बजे फिजिक्स क्लास के साथ, और केमिस्ट्री क्लासेज भी शाम को 6 बजे रहेगी, तो वो तो मत बोलना। जय हिंद, जय भारत।